पूरा दिन भर का काम निपटाते निपटाते ना मेरा दिन निकल जाता है पूरा। सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। ले सामान मंगवाना था मुझे मार्केट से, भूल गई मैं। दीदी को फ़ोन कर देती हूँ, आते वक्त लेके आएगी वो। क्या करूँ, फ़ोन तो बिजी आ रहा है यार। व्हाट्सएप कर देती हूँ सामान की लिस्ट। व्हाट्सएप करेंगे इतनी बड़ी सामान की लिस्ट? मुझे तो टाइप करने का बहुत कंटाल आता है यार, कैसे करेंगे? ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि हम सिर्फ बोले और मैसेज टाइप हो जाए? कितना मज़ा आएगा ना। स्मार्टफोन का ज़माना है भाई, ऐसा कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होगा। चलो ढूंढते। आज मे महिन्याचा तिसरा दिवस आहे, उकाडा खूपच जास्त जाणवतोय, मला थंड लिंबू सरबत प्यावं असं वाटतंय। माझ्याकडे आता लिंबू सरबत नाहीये, पण मी मस्त दूध नक्कीच पिऊ शकतो। बरं झालं आठवलं, मला आज रात्री विनूकडे जायचंय। तिसरा दिवस आहे, उकाडा खूपच जास्त जाणवतोय, मला थंड लिंबू सरबत प्यावं असं वाटतं। आज मे महिन्याचा तिसरा दिवस आहे, उकाडा खूप हे खरंच किती मस्त आहे। आता यापुढे लिहायची काही कटकटच नाही, फक्त डिक्टाफोन मध्ये बोलायचं, ते रेकॉर्ड होतं आणि आपण ते कम्प्युटरवर साठवू शकतो। आपण ते वापरून बघितलं पाहिजे। थांब, आत्ताच नको, सीडला बाहेर जाऊ दे, मग आपण ते वापरून बघूयात, नाहीतर त्याचा खूप जास्त आवाज होईल। बर, ठीक आहे। हे तिरी, सीड आता बाहेर गेला आहे, आता आपण डिक्टाफोन वापरून बघायचा का? हो हो, चल ना। हॅलो तिरी, मी मिरी बोलतोय, हे वापरून बघतोय। हॅलो तिरी, मी मिरी बोलतोय, हे वापरून बघतोय। हे खरंच किती मस्त आहे। हो ना, मी विचार करतो आहे माझी डायरी लिहायला मी याचाच वापर करावा, म्हणजे मला लिहायची गरजच नाही। तुला काय वाटतं, आपण बोलतो ते कम्प्युटर आपल्यासाठी लिहू शकतो का? मला नाही माहिती, चल आपण शोधून बघूयात ना। ज्ञानी उंदरा, पुस्तकात असं लिहिलंय की डिक्टाफोन, माइक्स, हेडसेट्स यासारख्या डिव्हायसेसना व्हॉइस रेकग्निशन डिव्हायसेस असं म्हटलं जातं।
अच्छा, म्हणजे तू असं म्हणतो आहेस की हे डिव्हाइसेस आवाज ओळखतात आणि त्यामुळेच त्यांना व्हॉइस रेकॉग्निशन डिव्हाइसेस असं म्हणतात. मला अजून सांग याबद्दल. त्यांचा उपयोग करून बोललेल्या शब्दांचे लिखित स्वरूपात रूपांतर करता येते किंवा कम्प्युटरला आज्ञा सुद्धा देता येतात. हे चांगलं आहे, पण माझ्याकडे यापेक्षा खूप जास्त चांगलं काहीतरी आहे. ते करू शकणारी सॉफ्टवेअर मिळाली आहेत मला. खरच खरच तिरी मस्त वाटत आहेत ती. अरे मग तू वाट कसली बघतोयस? पटकन डाउनलोड कर ना, आपण वापरून बघूयात ती. Do you think this will work? Hi, Thiri. Do you think this will work? अरे हे खरंच चाललं. त्यांनी तू जे बोललास तेच इथे लिहून दाखवलं आहे. आता तर मी नक्कीच माझी डायरी लिहिण्यासाठी याचा वापर करणार आहे. तू तसलीच कंटाळवाणी कामं कर. मला एक युक्ती सुचली आहे. मस्को, तू दुष्ट मांजरांसारखा वागला आहेस. मी तुला त्रास देऊ नये. तुझ्याकडे एकच मार्ग आहे, माझ्यासाठी जाऊन चीज, दूध, बिस्किट्स. थांब, मी विसरलोच होतो, चीज बरोबर खाण्यासाठी थोडी द्राक्ष पण घेऊन ये. शाबास, तू आता चांगला मांजर आहेस बॉस्को. आता तू शांतपणे झोप, मी या भोजनाचा आनंद घेतो. अच्छा, तो आप चाहते हैं बिना टाइप किए कैसे लिखे? इसलिए जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड नामक ऐप है. इसका प्रयोग करके कोई भी भाषा में आप टाइप कर सकते हैं. वॉइस टाइपिंग तत्वज्ञान का प्रयोग इसमें किया है. ये ऐप आपके स्मार्टफोन में रहेगा. नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. फिर इसे आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा. इसलिए आपको सेटिंग्स में जाके वहाँ पे सिस्टम देखना पड़ेगा. सिस्टम में लैंग्वेज एंड इनपुट में देखिए, वहाँ पे जी बोर्ड है. वहाँ पे जी बोर्ड है, दिख रहा है आपको जी बोर्ड? तो ये सेटिंग आपको करना पड़ेगा. अभी इसका प्रयोग, अभी आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं किस में? व्हाट्सएप में. चलिए तो व्हाट्सएप में जाते हैं. अभी आप आपके फ्रेंड को सिलेक्ट कीजिए. फिर आपको दिखाना है, फिर आपको टाइप करना है. तो टाइप सिलेक्ट कीजिए. जो स्पेस बार बटन है, स्पेस बार बटन पे के बाजू में जो ग्लोब का आइकॉन है, आप वहाँ पे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज चेंज हो रही है. तो इस प्रकार आप जी बोर्ड का इस्तेमाल करके इंग्लिश में या मराठी में टाइप कर सकते हैं. लेकिन आपको तो टाइप ही नहीं करना है, आपको चाहिए आप बातें करें और कीबोर्ड जी बोर्ड अपने आप टाइप करें. इसलिए ये आप ब्लैक कलर का, राइट कॉर्नर में आप ब्लैक कलर का आइकॉन देख रहे हैं,
स्पीकर का आइकॉन है, वहाँ पे दो है, दो माइक है, एक ऊपर जो है वाइट माइक है और जो नीचे है जो ब्लैक माइक है। तो हमें ब्लैक कीबोर्ड के ऊपर, हमको कीबोर्ड का वॉइस टाइपिंग चाहिए ना, तो कीबोर्ड के ऊपर जो माइक है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस करके ही वॉइस टाइपिंग होगा। ब्लैक स्पीकर को प्रेस करने के बाद आपको धीरे धीरे बोलना है। स्पीकर आपको बताएगा लिसनिंग स्पीक, ऐसे आप देखिए और आप जो बोलेंगे वो टाइप करेगा। अभी मैं रुक गई, मैंने दिखाया हिंदी में टाइप हो सकता है, वैसे ही अभी मैं भाषा चेंज करूंगी, मैंने इंग्लिश चेंज किया, अभी मैं जो बात करूंगी वो इंग्लिश में टाइप करेगा, फिर उसमें अगर मैं चाहिए तो चेंजेस भी कर सकती हूँ। ये लो मैंने टाइप किया, नाउ आई स्टार्ट टाइपिंग इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक क्लियरली, यू कैन डू द करेक्शंस ऑल्सो। अभी मुझे करेक्शंस करना है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे करेक्शंस करना है मैं कर सकती हूँ। तो देखा, जी बोर्ड का प्रयोग करके आप स्मार्टफोन के स्मार्ट यूजर्स बन गए।